एक गांव में लगातार कई दिनों तक सरकटी लाशें लोगों को पड़ी हुई मिलती हैं, तो उनमें दहशत फैल जाती है। किसी की समझ में नहीं आता कि सर काट कर ले जाने वाला हत्यारा आखिर है कौन। गांव के लोग मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी, ये हत्यारा जो कोई भी है बहुत खतरनाक है। हत्या करके लाश का सर काट कर अपने साथ ही ले जाता है। हाँ हाँ भाइयों, ये हत्यारा जरूर कोई सनकी आदमी है। हमें अब पूरी सावधानी से घर से बाहर निकलना होगा। भाई, मेरी समझ में तो ये बात ही नहीं आ रही है। आखिर ये हत्यारा है कौन और वो गांव के लोगों के सर क्यों काट रहा है? किसी की भी समझ में ये रहस्य नहीं आ रहा था। फिर एक दिन आधी रात के समय जग्गू नाम का एक आदमी अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था। जग्गू को बुखार था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी जग्गू को बाहर से आती हुई एक आवाज सुनाई देती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, नए नए डिजाइन के गुब्बारे। अरे, आधी रात के समय ये कौन है जो गुब्बारे बेच रहा है? जग्गू उठकर खिड़की पर आता है और बाहर देखता है कि एक चुड़ैल थी जो हाथ में बहुत सारे नरमुंड गुब्बारे लिए हुए थी। ये गुब्बारे उन्हीं लोगों के सरों से बने हुए थे जिनकी सरकटी लाशें गांव से बरामद हो चुकी थीं। तभी एक आदमी चुड़ैल के पास गुब्बारा लेने आता है और चुड़ैल उस आदमी का भी सर काट कर अपने गुब्बारों में शामिल कर लेती है और वहां से चली जाती है। जग्गू ये खूनी नजारा देखकर बुरी तरह से डर जाता है। सुबह होने पर जग्गू मुखिया जी के पास जाता है और रात की घटना के बारे में सारी बात बताता है। गांव का एक आदमी फौज में था जो आजकल छुट्टी पर आया हुआ था। फौजी मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, आज से हर रात मैं इस गांव में पहरा दूंगा और जैसे ही वो चुड़ैल मुझे दिखेगी मैं उसे गोलियों से भून कर मार डालूंगा। ठीक है फौजी भैया, तुम ही उस चुड़ैल को मारकर उसके आतंक से इस गांव को मुक्ति दिलाओ। रात हो जाने पर फौजी अपनी राइफल लेकर एक गली के नुक्कड़ पर बैठकर पहरा देने लगता है। फौजी को काफी देर पहरा देने के बाद प्यास लगने लगती है। काफी देर हो गई बैठे हुए, प्यास भी लगने लगी। वो खूनी चुड़ैल तो अभी तक नजर नहीं आई, क्या करूं? क्यों ना एक बियर पी ली जाए। और फौजी अपनी जेब से एक बियर की बोतल निकाल कर उसका ढक्कन खोलता है कि तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। तू वहां क्यों बैठा है? मेरे पास आ, देख मेरे पास इंसानों के सर वाले कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे हैं। आ जा, तू भी एक गुब्बारा ले ले। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ चुड़ैल, जो तेरे झांसे में आ जाऊंगा। अरे मैं एक फौजी हूँ फौजी, मैं तेरा खात्मा करने के लिए ही यहाँ पर बैठा हूँ। फौजी बियर की बोतल को रखकर अपनी राइफल उठा लेता है और चुड़ैल पर एक साथ कई गोलियां चलाता है, लेकिन चुड़ैल पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता। अरे, इस चुड़ैल पर तो गोलियों का भी असर नहीं हुआ, अब क्या करूं, इसे कैसे मारूं? तू मुझे कभी नहीं मार सकता, पर मैं जरूर तेरा सर काट सकती हूँ।
चुड़ैल फौजी को पकड़ने के लिए फौजी की तरफ बढ़ती है, तो फौजी अपनी जगह से उठकर भागता है और चुड़ैल से कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल बियर की बोतल को देखती है। हाँ? अरे ये क्या चीज है? ये तो कोई पीने वाली चीज लगती है। और फिर चुड़ैल गट गट करके बियर पी जाती है। फिर फौजी से कहती है, अरे ये तो बड़ी मस्त चीज थी रे फौजी, मैं कल रात को फिर आऊंगी, कल भी मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं तेरा सर काट कर गुब्बारा बना दूंगी। और फिर चुड़ैल हवा में उड़कर वहां से चली जाती है। सुबह हो जाने पर फौजी गांव वालों को रात की घटी पूरी घटना सुना देता है, तो लोग कहते हैं, अरे भैया, जिस पर गोलियां भी असर नहीं कर पाई, उस खतरनाक चुड़ैल को भला कैसे मारा जा सकता है? हाँ भैया, अगर उस चुड़ैल को नहीं मारा गया तो वो एक एक करके पूरे गांव को मार डालेगी। गांव के पुजारी जी भी लोगों की बातें सुन रहे थे। वो कहते हैं, वो चुड़ैल किसी हथियार से नहीं मरेगी, उसे मारने के लिए पवित्र हथियार का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब है। और फिर पुजारी जी सबको अपनी तरकीब के बारे में बता देते हैं। फिर रात हो जाती है। फौजी और गांव वाले गली के नुक्कड़ पर आ जाते हैं। फौजी बियर की बोतल लेकर खड़ा हो जाता है और चुड़ैल के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। बाकी गांव वाले आसपास के घरों में छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल अपने इंसानी सरों वाले गुब्बारे लेकर वहां आ जाती है और फौजी से कहती है, अरे फौजी, तू तो वादे का बड़ा पक्का है। तू चाहता तो मेरे डर से गांव छोड़कर भाग भी सकता था, लेकिन तू नहीं भागा। क्यों नहीं भागा रे तू? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसानों को मारकर उनके सरों के गुब्बारे बनाने से तुझे क्या मिलता है? आनंद मिलता है मुझे, और ऐसा करने से मेरी शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब तो मेरा टाइम खोटा मत कर, ला ये बोतल मुझे दे, मैं इसे पी लूं। चुड़ैल फौजी के हाथ से बियर की बोतल लेती है और गटागट करके पी जाती है और फिर कहती है, अरे आज तूने मुझे ये क्या चीज पिला दी, इसका स्वाद तो कल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे पीते ही मेरे पेट में कुछ हलचल सी क्यों हो रही है? जल्दी बोल, क्या पिलाया है तूने मुझे? इस सवाल का जवाब तुझे हमारे पुजारी जी देंगे। पुजारी जी, बाहर आ जाइए। फौजी के पुकारने पर पुजारी जी और अन्य गांव वाले जो घरों में छिपे हुए थे सब बाहर आ जाते हैं। पुजारी जी चुड़ैल से कहते हैं, हत्यारी चुड़ैल, अरे फौजी ने जो तुझे पिलाई है वो बियर नहीं पवित्र गंगा जल था। मैंने ही तुझे खत्म करने के लिए ये योजना बनाई थी। अब ये पवित्र गंगा जल तुझे भस्म कर देगा। और फिर अचानक चुड़ैल के पेट के अंदर आग जलने लगती है। चुड़ैल के मुंह, नाक और कानों से आग की लपटें बाहर आने लगती हैं और चुड़ैल तड़पने लगती है। हाय, हाय रे, हाय मैं तो जल गई। आह, अरे कोई मुझे इस आग से बचाओ, मुझे बचाओ इस आग से। और फिर चुड़ैल देखते ही देखते जलकर राख हो जाती है। चुड़ैल के भूतिया गुब्बारे आकाश में ऊपर उड़कर गायब हो जाते हैं
और इस तरह इंसानी सर के गुब्बारों वाली चुड़ैल से गांव वालों को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और गांव वाले फिर से मजे के साथ रहने लगते हैं।